हीटर है तेरे घर? हाँ। बोला सर हीटर पहले तो था, चोरी की लाइट जलाते थे तो था, चोरी की लाइट सर अब बंद हो गई तो हीटर सर मम्मी ने रख दिया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। राजू हमारा स्टूडेंट्स प्री बोर्ड दे के आया बहुत गुस्से में। अब टीचर स्कूल के टीचर पे बड़ा गुस्सा कर रहा राजू, कह रहा सर ओम्स लॉ पढ़ाया, ओम्स लॉ मैंने याद किया, सारे डेफिनेशन मुझे याद, सारी मुझे कंडीशन मुझे याद ओम्स लॉ की, कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, सब मुझे रटा हुआ था। लेकिन टीचर ने सर सवाल पूछा, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। सर मैं कंठोजिया गया बुरी तरह कि नॉन ओमिक कंडक्टर के तीन एग्जाम्पल कहाँ से लाऊं। अब राजू बहुत गुस्से में, मैंने समझाया बेटा कि तुमने इसका मतलब डेफिनेशन सही से याद नहीं करी बेटा, समझा नहीं तुमने, रट तो लिया राजू क्योंकि तुम्हारी आदत रटने की। अब राजू हमसे भी थोड़ा गुस्सा हो गया, सर मुझे तो पूरा याद है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या कंडक्टर। सर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे करंट भी उसी रेशियो में कम हो जाएगी, सर ग्राफ सीधा रहेगा। और आपने पढ़ाया था कि भाई सर जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं उनमें करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चलता है सर, कभी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा कभी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। बट सर मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है, मुझे नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल नहीं मिला जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैंने कहा बेटा बस इतनी लाइन पढ़ लेता, क्या लिखा है ओम्स ने क्या कहा था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ओम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। बेटा मुझे उस चीजों के एग्जाम्पल बता जहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। अब राजू आंसर दे रहा है, बोला सर टंगस्टन का फिलामेंट बल्ब के अंदर नहीं लगा होता, टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब जलता है, तुरंत बल्ब जलाओगे धड़ से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने कहा बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैंने कहा राजू तेरे घर पे प्रेस है? बोला हाँ सर है, मम्मी तो करती है प्रेस। मैंने कहा उस प्रेस का एलिमेंट तेरी आयरन का एलिमेंट, आयरन एलिमेंट जैसे ही वायर तू करंट फ्लो कराता है गर्म पड़ जाता है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर है तेरे घर? हाँ। बोला सर हीटर पहले तो था, चोरी की लाइट जलाते थे तो था, चोरी की लाइट सर अब बंद हो गई तो हीटर सर मम्मी ने रख दिया। अच्छा तो इलेक्ट्रिक हीटर में जैसे ही करंट फ्लो कराते हो ग्लो करने लगता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं करेगा, जहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता है वहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं करेगा। इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ और इसी तरीके से समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।